वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड से बम्पर वैकेंसी आई है। कई तरह की वैकेंसी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी है, डिग्री के लिए भी है और डिप्लोमा के लिए भी है। लोकेशन में मुंबई के लिए भी है, नासिक के लिए भी है, पुणे के लिए भी है और मालदीव के लिए भी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जान जाइए सारा जॉब डिटेल्स और फिर कर दीजिएगा अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें बेल आइकन को भी दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस और ऑल कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ जाएं। कुछ जॉब डिटेल्स का मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, ब्लॉग पे सीधा डालता हूं, लेकिन उसका लिंक मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करता हूं। तो आप सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स में जुड़ जाएंगे तो उससे भी आप लाभान्वित होंगे। और अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आपको बताया ये जो वैकेंसी आई है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड से आई है और मुंबई, नासिक, पुणे और मालदीव के लिए आई है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो पोस्ट में जो है आपका देख लीजिए, एग्जीक्यूशन में सिविल स्ट्रक्चरल वर्क्स का पोस्ट है, फिनिशिंग वर्क्स के लिए अलग है और एमईपी वर्क्स के लिए अलग है। फिर दूसरा पोस्ट इसी में है, प्लानिंग एंड बिलिंग का, कॉमर्शियल का, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, PNM यानी प्लांट एंड मशीनरी का, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल का। इस सभी का जॉब कोड अलग है, तो ये जॉब कोड आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसको अप्लाई करते वक्त ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पड़ेगी मैं बताऊँगा, जब अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। तो क्वालिफिकेशन ये जो 1 से 7 नंबर जो पोस्ट है उसके लिए है, कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 20 years। तो ये 7 पोजीशन के लिए तो 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और जो आगे का पोस्ट है उसका भी मैं डिटेल बताता हूँ। 8वां नंबर जो पोस्ट है अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है, इसका जॉब कोड ACC है। द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स CS ICWA फ्रॉम ए रिमिटेड इंस्टीट्यूशन और इनको भी 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर एक पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR का, इसमें ग्रेजुएट या MBA चाहिए इनको 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस के साथ। फिर 10वां पोस्ट जो है स्टोर एंड प्रोक्योरमेंट का है, ये कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन और इसमें भी 5 से 20 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। फिर 11 नंबर जो पोस्ट है साइट एग्जीक्यूशन सुपरवाइजर का है, इसमें अलग अलग हैं, 5 कैटेगरी बनाए हैं सुपरवाइजर के लिए इन्होंने। सिविल स्ट्रक्चर वर्क के लिए अलग सुपरवाइजर अपॉइंट करेंगे, फिनिशिंग वर्क के लिए अलग करेंगे, MEP वर्क्स के लिए अलग सुपरवाइजर अपॉइंट करेंगे और सेफ्टी के लिए अलग करेंगे, क्वालिटी के लिए अलग करेंगे। तो सबका कोड अलग अलग है, आप जिसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसका कोड डाल दीजिएगा वहाँ सब्जेक्ट लाइन में। तो इसके सुपरवाइजर के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है, द कैंडिडेट शुड बी क्लास 10th पास और ITI पास हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 15 years विथ ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड विथ लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी इन एग्जीक्यूशन ऑफ हाई राइज रेजिडेंशियल और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया और एब्रॉड। तो आपको सुपरवाइजर के लिए ये है, तो मेरा ये सजेशन है कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं और फ्रेशर हैं तो वो इसके लिए अप्लाई करके ट्राई करें। अगर इसमें मौका देते हैं तो एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो आगे के लिए आपको काम देगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं अप्लाई करके, ये चाहेंगे तो आपको बुलाएंगे। फिर अप्लाई कैसे करना है,
वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और डिटेल जॉब का डिटेल जाना ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर जाना ज़रूरी नहीं है। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का कोड जो है सब्जेक्ट लाइन में लिख दीजिएगा और पोस्ट का नाम भी लिखिएगा और इनको ईमेल कर दीजिएगा hrd@asokabuildcon.com। तो इस पर आप ईमेल करके अपना CV भेज सकते हैं और फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं इनके बुलावे का इंटरव्यू के लिए। तो ये अच्छी बम्पर वैकेंसी है, कई तरह के पोस्ट हैं और कई लोकेशन के लिए भी है, जैसा कि बताया मुंबई के लिए भी है, नासिक के लिए भी है, पुणे के लिए भी है और मालदीव के लिए भी है। तो मालदीव के लिए वही लोग अप्लाई करें जिनके पास पासपोर्ट रेडी है, और बाकी तीन पोस्ट तो इंडिया के लिए है, तीन लोकेशन, तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मैं अच्छे ढंग से आपको जानकारी बताया है। और साथ एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो जॉब का नोटिफिकेशन है मैं अपने ब्लॉग पे इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको आसानी से वहाँ पे भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, क्लिक करके देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।